In this video, I am going to share with you all the lifetime worldwide box office collection of Bollywood film Raja Babu. दोस्तों मूवी राजा बाबू जो रिलीज हुई थी 21 जनवरी 1994 को, ये एक बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसको 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी गई थी। इसके डायरेक्टर हैं डेविड धवन, प्रोड्यूसर हैं नंदू तोलानी और इसके राइटर हैं अनीस बज्मी। बात करते हैं कास्ट की, इसमें गोविंदा, करिश्मा कपूर, कादर खान, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, प्रेम चोपड़ा और साथ ही अरुणा ईरानी, ये सब इसमें लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। लेकिन इनके अलावा भी फिल्म के अंदर काफी कास्ट सपोर्टिंग रोल में नजर आई थी। फिल्म जो है राजा बाबू, ये 1992 में आई तमिल फिल्म रासुकुट्टी का रीमेक है। अब वो जो तमिल फिल्म है रासुकुट्टी, उसका बॉलीवुड के अलावा 2 रीमेक्स और बन चुके हैं, एक आया था तेलुगु में और एक आया था कन्नड़ में। अब बात करते हैं फिल्म की बेसिक स्टोरी की। अब फिल्म में क्या होता है, जो गोविंदा होते हैं वो बहुत ही इनोसेंट लड़के का रोल निभाते हैं, भोले भाले लड़के का। लेकिन जो गोविंदा होते हैं बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते। गोविंदा के पिता होते हैं कादर खान, जो बहुत ही अमीर बिजनेसमैन होते हैं। एक बार क्या होता है, गोविंदा के घर वाले उनकी शादी के लिए उनको एक लड़की की फोटो दिखाते हैं जो होती है करिश्मा कपूर। अब गोविंदा जो है, जैसे ही वो करिश्मा कपूर की फोटो देखते हैं उसी टाइम उनको करिश्मा कपूर से प्यार हो जाता है। अब जहां पर भी उनको करिश्मा कपूर दिखती है वो हर जगह उनका पीछा करने लग जाते हैं। अब ऐसे में जो इनकी लव स्टोरी है उसमें कई सारे ट्विस्ट आते हैं। अब वो क्या होते हैं ये तो आप लोगों को फिल्म देखकर पता चलेगा। खैर चलिए अब बात करते हैं कलेक्शंस के। फिल्म का इंडिया का लाइफ टाइम जो नेट कलेक्शन था वो था 8 करोड़ 24 लाख रुपए का, 8 करोड़ 24 लाख रुपीस का। इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 15 करोड़ 14 लाख का, 15 करोड़ 14 लाख का। इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 13 लाख 13 लाख रुपीस की कलेक्शन की थी। और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 15 करोड़ 27 लाख का, 15 करोड़ 27 लाख रुपीस का। इसका बजट था 2 करोड़ 30 लाख रुपए का। अब 2 करोड़ 30 लाख के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था 8 करोड़ 24 लाख रुपए का। उस हिसाब से अगर हम वर्डिट की बात करें यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि फिल्म राजा बाबू बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म की जो ऑफिशियल वर्डिट है वो है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की। लेकिन कुछ कुछ वेबसाइट फिल्म को सुपर हिट की वर्डिट भी देती है। लेकिन अगर हम इसका बजट और नेट कलेक्शन दोनों को कंपेयर करें तो इसकी जो ऑफिशियल वर्डिट है वो है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की। साथ ही बता दें इसी कलेक्शन के साथ ये 1994 की बॉलीवुड की 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म साबित हुई थी। नंबर 1 पर थी सलमान खान की फिल्म हम आपके हैं कौन, नंबर 2 पर अक्षय कुमार की फिल्म मोहरा, नंबर 3 पर थी फिल्म नाना पाटेकर की क्रांतिवीर और नंबर 4 पर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर गानों की बात की जाए तो फिल्म के गानों के एल्बम में टोटल 7 गाने थे। कुछ गाने सुपर डुपर हिट साबित हुए थे। गानों को कंपोज किया था आनंद और मिलिंद की जोड़ी ने और गानों के जो लिरिक्स होते हैं वो लिखे थे समीर ने। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉली व्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।